नमस्कार, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। अभी हम लोग देखेंगे 3 BHK का इंडिपेंडेंट फ्लैट जो 80 गज में बना हुआ है। हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट है और मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे मोहन गार्डन इसकी लोकेशन है जो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन के पास है। थ्री बी एच के का इंडिपेंडेंट फ्लैट, हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट है। इस बिल्डिंग में टोटल 4 फ्लैट हैं। बहुत ही अच्छी लोकेशन के साथ ये फ्लैट आज हम लोग देखने वाले हैं। अब बहुत ही अच्छा इंटीरियर इसका बनाया गया है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग चलते हैं और देखते हैं इस बिल्डिंग के सामने जो साफ सुथरी रोड है वो, फिर पार्किंग देखेंगे और उसके बाद मैं आपको लेके आऊँगा फ्लैट के अंदर। हम लोग आ चुके हैं अपने फ्लैट के अंदर। इस फ्लैट की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ एंड साउथ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू की। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं तो यहाँ ड्राइंग रूम मिलता है जिसमें सोफा का प्लेसमेंट आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक कॉमन वॉशरूम हम लोग ने दिया है, फर्स्ट बेडरूम हम लोग ने यहाँ दिया है, इस तरफ आपको किचन मिल जाता है और 2 बेडरूम आपको फ्रंट में मिल जाते हैं। एक यहाँ बेडरूम दिया, इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलता है और बैल्कनी भी इसके साथ मिलती है, और इस बेडरूम के साथ भी आपको बैल्कनी मिलती है। प्राइस हम लोग ने सिर्फ 37,50,000 रुपये रखा है। बिल्कुल सही सुना आपने, 37,50,000 में 3 BHK का इंडिपेंडेंट फ्लैट जो 80 गज में बना हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने ड्राइंग रूम के, और ड्राइंग रूम में भी फ्लोरिंग एक बार दिखाई आशीष, जो डबल चार्ज की टाइल्स हम लोग ने यूज़ की है, वेटिफाइड टाइल्स है, बहुत ही क्लीन होती है, स्क्रैचलेस होती है। यहाँ आपको एल टाइप में जैसा हम लोग ने सोफ़ा लगाया है वैसे आप सोफ़ा लगा सकते हैं। तकरीबन 5 सीटर सोफ़ा यहाँ पे आपका बहुत आराम से लग जाएगा। इस तरह से बीच में कॉफ़ी टेबल आ जाएगा। टीवी पैनल हम लोग ने इस तरफ दिया है, यहाँ आपको टीवी पैनल मिलता है, और यहाँ हम लोग ने इंटरकॉम लगाया है। इंटरकॉम का काम यह है कि नीचे जो भी आपसे मिलने आएंगे आप उनकी आवाज़ सुन सकते हैं, और यहीं से पार्किंग का जो मेन गेट है उसे आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा आर्टिफिशियल ग्रास का काम किया गया है, यहीं से हम लोग ने एंट्री ली थी, और वॉलपेपर बहुत ही डिसेंट सा वॉलपेपर हम लोग ने यहाँ पर यूज़ किया है। एल टाइप में जो वॉल आपको मिलता है दोनों तरफ वॉलपेपर यूज़ किए गए हैं। यहाँ कॉपर ग्लास का काम हम लोग ने किया है डेकोरेशन के लिए कि ड्राइंग रूम अच्छा लगे, और यहाँ स्प्लिट एसी की वायरिंग हम लोग करके दे रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा फॉल सीलिंग की डिज़ाइन जो ये रही, इसमें हम लोग झूमर भी दे रहे हैं। अब इसी के साथ जो कॉमन वॉशरूम हम लोग ने दिया है, पहले इसका आउटर लुक भी दिखाता हूं। आप देखिए इस तरह से जो आर्टिफिशियल ग्रास है उसका काम किया गया है पूरे में। यहाँ कॉमन वॉशरूम मिल जाता है, काफी स्पेसियस वॉशरूम। एक बार सारा दिखाइए आशीष आप, नीचे से फ्लोरिंग से लेके ऊपर तक। फ्लोरिंग हमने इसमें एंटी स्किड टाइल्स की है, सीट इसमें लगाया गया है, और ऊपर आपको शावर मिल जाते हैं। फिर उसी के साथ में इस तरफ गीजर का पॉइंट आपको मिलता है, और वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ स्पेस भी मिल जाता है। डाइवर्टर हम लोग ने यूज किया है हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए। वहां पे 2 टैप्स हम लोग ने दिए हैं, एक तो हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए, दूसरा जल बोर्ड का जो पानी आता है उसके लिए है, जिसे हम लोग मीठा पानी बोलते हैं। 2 तरह का आपको पानी मिल जाता है, एक तो समरसेबल का पानी और दूसरा जल बोर्ड का। यह हम लोग ने वॉश बेसिन दिया है, और बीच में एक बड़ा चीज दिखाई, ये हाइलाइटर हमने यूज़ किया है वॉशरूम में। रूफ तक इसमें टाइल्स यूज़ की गई है, और ऊपर
जो लाइट हम लोग ने लगाया है वॉशरूम में वो इस तरह का है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं जो इसके साथ फर्स्ट बेडरूम है वो, ये वॉशरूम ड्राइंग के साथ भी यूज होगा और इस बेडरूम के साथ भी यूज होगा। यहाँ इसमें भी आपको वेटिफाइड टाइल्स की फ्लोरिंग मिलती है, इस तरह का वॉलपेपर हम लोग ने दिया है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ स्पेस मिल जाता है और आपको ऊपर जो डिजाइन है फॉल सीलिंग की वो इस तरह की मिलती है। यहां से हम लोग देखते हैं जो अपना किचन है वो। आशीष सबसे पहले आउटर लुक दिखाइए किचन का, हमने फैंसी लाइट जो यूज की है या यहाँ पे ये सारा डेकोरेशन किया है, एक बार पूरा आउटर लुक दिखाइए। यहाँ ये सारे स्लॉट्स बना के दिए गए हैं, आप इस तरह से कुछ सजाने का यहाँ पे रख सकते हैं, शोपीस रख सकते हैं, डेकोरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। क्योंकि इसका जो फेस है वो सामने इस तरफ दिखाएं आशीष, जो ड्राइंग में सिटिंग हुई आप बैठे हैं, आपके गेस्ट बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा आपके इस किचन के जो आउटर लुक है उसका। यहाँ दो फैंसी लाइट हम लोग ने लगा दिया है। यहाँ आपको ओपन स्पेस मिलता है, आप चाहें तो यहाँ फ्रिज रख लीजिए, उसके बाद भी इस तरह पूरा आपको ओपन स्पेस मिल रहा है। सारे स्लॉट्स यहाँ पे बना के दिए जा रहे हैं। यहाँ आपको कटलरी वेयर के लिए स्पेस मिलता है, ये सारे कैबिनेट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ भी स्पेस मिल जा रहा है और ये सारा कैबिनेट्स आपको मिल रहा है। और बड़े कंटेनर हमारे घर में होते हैं उसे आप यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ अच्छा खासा स्पेस दिया गया है बड़े कंटेनर के लिए। यहाँ भी स्पेस मिल जाता है, पानी का एग्जिट पॉइंट है, आप चाहें तो इस स्पेस को भी यूज कर सकते हैं। सिंक हम लोग ने यहाँ लगाया है जिसमें दो तरह के टैप भी मिल जाते हैं, जल वाटर के लिए एंड हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए भी। एक बार विंडो दिखाएं यहाँ पे आशीष, यहाँ आपको विंडो भी मिल जाती है, हालांकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगा के दे रहे हैं बट यहाँ पे आपको विंडो भी मिल जाती है। यहाँ हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगाई है और ये स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है और इस तरफ भी सारे स्लॉट्स आपको मिलते हैं यूज के लिए। ये देखिए सारा स्पेस मिल रहा है और यहाँ भी स्पेस मिलता है, इसमें आप चाहें तो अपना आरओ या गीजर लगा सकते हैं। इसका जो डिजाइन है ऊपर का वो इस तरह का आपको मिल जाता है, जिसमें हम लोग ने कॉब लाइट्स और एलईडी लाइट्स दोनों लगाई है। इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं जो हमारा मास्टर बेडरूम है वो। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, इसमें अटैच बैल्कनी आपको मिलती है, अटैच वॉशरूम मिलता है, टीवी पैनल हम लोग ने दिया है। वॉलपेपर की बात करते हैं, इस तरह का वॉलपेपर हम लोग ने इसमें यूज किया है, सीनरी भी हम लोग ने लगा दी है। बेड 6x6 का लगाया है, उसके बाद भी दोनों तरफ आपको स्पेस मिलता है, उधर भी स्पेस मिल जा रहा है और इस तरफ भी आपको स्पेस मिलता है। यहाँ टीवी पैनल ने हम लोग ने दिया है और अटैच वॉशरूम इस तरफ मिलता है, एक बार दिखाएं आशीष। यहाँ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। इसमें भी सारी सैनिटरी फिटिंग हम लोग करके दे रहे हैं। यहाँ सीट आपको मिल जाता है और फिर यहाँ टैप्स मिल जाते हैं आपको, ऊपर शावर मिल जाता है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ स्पेस दिया गया है। वॉश बेसन भी हम लोग इसमें लगा के दे रहे हैं। वॉश बेसन दिखाने से पहले आप गीजर का जो पॉइंट्स दिया है वो दिखाइए, फिर वॉश बेसन दिखाइए। यहाँ वॉश बेसन भी आपको लगा के दे रहे हैं हम लोग और ऊपर डिज़ाइन इस तरह का जो लाइट्स है उसकी। वॉशरूम अभी हम लोग ने देखा है, यहाँ पे अगेन आपको स्प्लिट एसी के लिए वायरिंग करके दे रहे हैं और यहाँ एक स्पेसियस
बैल्कनी दी गई है। एक बार बैल्कनी आप पूरा दिखाइए आशीष। यहाँ पे हम लोग ने अभी बैल्कनी देखी जिसमें टैप भी लगाए गए हैं, आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। और इसके साथ जो आपको थर्ड बेडरूम मिलता है वो ये रहा। इसमें भी हम लोग ने बेड लगा के दिखा दिया है कि आप इस तरह से बेड लगा सकते हैं। वॉलपेपर बहुत डिसेंट सा यहाँ पे वॉलपेपर अगेन हम लोग ने यूज़ किया है। वार्डरोब मिलता है और वार्डरोब दीवार के अंदर ही आपको मिलता है। ये पूरा वार्डरोब का स्पेस आपको यहाँ दिया गया है। वेंटिलेशन की बात करूँ तो विंडो यहाँ दी गई है, आप विंडो एसी ऊपर लगा सकते हैं। और इसमें भी आपको टीवी पैनल मिल जाता है। यहाँ हम लोग ने इसमें टीवी पैनल दिया है। नीचे सारे स्लॉट्स हैं, आप सेटअप बॉक्स भी इसमें रख सकते हैं। और इसमें जो डिज़ाइन बनाई गई है बेडरूम की, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है जो ये रही। उसमें हम लोग ने LED लाइट्स और कॉब लाइट्स दोनों यूज़ किया है। और इसमें भी आपको बैल्कनी मिलती है। दोनों रूम से बैल्कनी की एंट्री है। बड़ी सी आपको बैल्कनी मिलती है, इस बेडरूम से भी एंट्री है और अभी जो साथ वाला मास्टर बेडरूम दिखाया है उससे भी एंट्री है। ये आपका वही बैल्कनी है जो अभी आपने देखा है। अगर इस फ्लैट्स की हाईलाइट की बात करूँ तो प्राइस की बात करता हूँ, 37,50,000 रुपये में ये फ्लैट मिल जाता है। दो बेडरूम के साथ आपको बैल्कनी मिलती है। 80 गज का ये फ्लैट है, मेट्रो स्टेशन से तकरीबन आधी किलोमीटर की दूरी पे। और उससे भी अच्छी बात, इंडिपेंडेंट फ्लैट है, हर फ्लोर पे एक ही फ्लैट है। पूरे बिल्डिंग में सिर्फ 4 फैमिली रहेंगी। तो अगर इस फ्लैट को विजिट करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आइए। ये फ्लैट होम लोन के साथ भी आपको मिलता है, आप चाहें तो इस पर होम लोन भी ले सकते हैं। आप कुछ और भी अगर जानना चाहते हैं तो कस्टमर केयर का नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं। या हमारी वेबसाइट जो है sanvistate.com, आप उस पर विजिट भी कर सकते हैं। आप हम लोग से जुड़े रह सकते हैं हमारे सोशल साइट पे, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं भी आपको sanvistate मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, और ऑफकोर्स आप ही sanvistate है और आप ही से sanvistate है।